और उनको बुलाने से पहले मैं उनकी नजर एक शेयर करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं? क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं? कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। आपकी भरपूर तालियों में फौजिया शाही। वेलकम, खुश आमदीद फौजिया शाहीन आपको मखदूम रशीद में एक मरतबा फिर से। कैसा लग रहा है आपको सब कुछ? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हो रही है। वही दिन याद आ रहे हैं जब हम यहाँ पे ड्रामा करके गए थे, वह सेब अमन कट, तो बहुत मुझे खुशी हो रही है। क्या उस ड्रामे के बाद और आज में सेब अमन कट में कोई अमन नजर आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे मुझे अमन ही अमन नजर आ रहा है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जो हम यहाँ पे अपना लेके आए थे मिशन समझ में, जो ख्वाब लेके आए थे वो तो यहाँ पे मुझे पूरा हुआ जो है ना, वो नजर आ रहा है अमन की सूरत। वेलडन जी, आपके लिए तालियां होनी चाहिए आपके लिए। तो कम से कम एक बंदे ने दाइद की है, एक साहिबा ने आके यहाँ पे, वो हमारे साथ एक महान रे फनकार, एक ऐसी आवाज, उस्ताद मोहतरम है मेरे। मैंने अभी अभी जो ये गाना भी हमने गाया, इसका म्यूजिक भी उन्होंने तरतीब दिया। मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करते हैं और आज हमारी खसूसी फरमाइश पे उन्होंने अपने शागिर्दों को इज्जत बख्शी। हम उन्हें वेलकम कहते हैं जी, खुश आमदीद कहते हैं मखदूम रशीद की सरजमीन पर। आपकी भरपूर तालियों में कौन है जी? शोएब जैदी। जी बहुत शुक्रिया सोजला और जफर शाहीन और उनके साथ जो उनकी होस्ट और तमाम मुज़्ज़ज़ दोस्त हाजिरी हैं। सबकी खिदमत में शोएब ज़ैदी का आदाब और अस्सलामु अलैकुम। और बात हो रही थी अमन की, तो इस दौर में जो अमन के अलमबरदार या अमन की फिजाओं को कायम रखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, मेरी नज़र में वो लोग जिहाद कर रहे हैं और इसका अजर उनको दुनिया में भी ज़रूर मिलेगा और ज़ाहिर है सब में जाना है तो आखिरत में भी ज़रूर मिलेगा। मैं अपने गाने से पहले, मैं गाना आपको सुनाने नहीं आया, मैं सिर्फ मैसेज देने आया हूँ, हम गाना नहीं सुनाने आया आपको। 100 बरस की जिंदगी में एक पल, 100 बरस तो अब नहीं रही, औसत तो 50-60 पर ही आ चुकी है, लेकिन किसी पुराने शायर ने लिखा था कि 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझको दुनिया में मिलेगा इसका फल। आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। अब क्या बात है, आगे शायर अपनी एनवायरनमेंट से मुतासिर होकर क्या बताना चाह रहा है कि एक आदम की सभी औलाद है, कुछ तो खुश है और कुछ नाशाद है, जुर्म उनका क्या है जो बर्बाद है। तू जमाने के असूलों को बदल, आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। तेरे जैसा और नब दाना
ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੀ ਜਾਵਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਆਸ ਪੁਜਾਵੇ ਵੇਲਾ ਖੈਰ ਦਿਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਮਿਲਾ ਤੇ ਬਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਸ਼ੋਰਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਈਟਮ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮੁੱਲਾ ਕੀਤੇ ਮਸੀਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠਰਕੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਹੋਵੇ ਆਪਕੋ ਹਸਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੱਚਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਿਆ ਯਾਰ ਬਣਾਵਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਤੋਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਸ਼ਾ ਕਦੀ ਹੱਥ ਮਿਟਾਈ ਤੂੰ ਵਧ ਲਗਨਾ ਏ ਕਦੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਾਸਾ ਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਦੀ ਯਾਰੀ ਉਡਾਵੇ ਹਾਸਾ ਕਦੀ ਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਦ ਹੱਸੇ ਅੱਜ ਲੰਘਦਾ ਏ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸਾ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਆਇਆ ਅਮਨ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਅਸਲ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਵੰਜਣਾ ਭੁੱਲਿਆ ਅਸਾਂ ਮਰ ਵੰਜਣਾ
इसराइल तो सब जानते हैं और सब इंतजार में है उसकी कि वो कब आए। इसराइल किसके पास आया? आया सस्सी वाली अते लैन सस्सी जी जाने कसम चार सस्सी विच चार सस्सी विच नजर नहीं आती। कितने गए उत्ते मैं गया के चिंदा खाने कसम पुरा उच्चिया गमिया Oh,